गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा आठवीं का विषय हिंदी पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साहस के पैर। इस पाठ में एक अपंग किंतु साहसी बालक की कहानी बताई गई है। वह बालक जिसके सहपाठी लोग उसको ताना कसते हैं, व्यंग करते हैं, इसके बावजूद वह साहस पूर्वक उसका सामना करता है। एक बार वह अपनी कक्षा में जाता है, मतलब पहली बार जब वह अपनी कक्षा में अपने स्कूल में जाता है तो उस कक्षा की जो सहपाठी थी वह उसे तैमूर नंग करके चिढ़ाने लगी, उसका मजाक उड़ाने लगी कि वह एक पैर से लंगड़ा है। उसे बहुत ही मन ही मन दुख तो हुआ, पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यही प्रक्रिया दूसरे दिन भी हुआ। जब दूसरे दिन वह कक्षा में गया तो दूसरे दिन भी सहपाठी लोग उसे तैमूल्लंग करके चिढ़ाने लगे। इस वक्त वह बच्चा चिढ़ने के बजाय साहस पूर्ण से और धैर्य पूर्वक उसे जवाब दिया और कहा कि नाम में क्या रखा है, मैं तो अचल हूँ और मेरा नाम अचल ही रहेगा। अब तैमूल्लंग कहो या अचल कहो, लेकिन नाम तो मेरा अचल ही है। अचल के इस जवाब को सुनकर जो उसको चिढ़ा रहे थे वह बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अचल अब यह समझने लगा कि मुझे ऐसे छोटे छोटे बातों से चिढ़ना नहीं चाहिए और अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को भी समझाने लगा कि इस तरह से छोटे छोटे बातों से अगर मैं चिढ़ जाऊं या नाराज हो जाऊं तो मैंने तो अपने जीवन में बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरा है। मेरे एक पैर के ऊपर से ट्रेन गुजरी है, मैंने अपने शरीर का एक अंग खोया है। अगर इससे या इससे बड़ी कोई और घटना हो सकती है मेरे लिए, यह बात वह सहपाठियों से करता है और अचल को अपने आप पर यह विश्वास हो जाता है कि भले ही शरीर हार मांस या लकड़ी का हो परंतु साहस के, अब वो साहस के पैर उस पर लग चुके हैं। वह अब अपने हौसले और साहस के सहारे वह चलता जाएगा जो कभी भी नहीं थकेगा। तो इस प्रकार अचल की साहस और धैर्य पूर्वक को देखकर उसके सहपाठी उससे दोस्ती करने लगे और उनसे किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखा। तो इस प्रकार यह पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं और इस पाठ का प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ के द्वारा दिया जाएगा। थैंक यू।